हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ब्लॉग वीडियो, टॉपर स्टॉक सक्सेस स्टोरी और बहुत सारे काउंसलिंग वीडियो हमारे कंटिन्यू अभी आ रहे हैं। बीएचयू का पेपर हो चुका है, रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है, बहुत जल्द बीएचयू काउंसलिंग पोर्टल ओपन होने वाला है। यूजी एंड पीजी का मैंने डेट ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन फिर से अगर मैं रिवाइज करा देता हूं, जो यूजी का काउंसलिंग है वो 16 से स्टार्ट हो रहा है, लगभग 10 या 12 से उनके पोर्टल ओपन हो जाएंगे। पीजी के पोर्टल ओपन हो चुके हैं और उनकी काउंसलिंग 12 से या 10 से लगभग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको ध्यान का देना है, सबसे पहले तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ऑनलाइन इज बेटर और ऑफलाइन इज बेटर। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ कि बेटर तो ऑफलाइन ही है, क्योंकि ऑनलाइन में ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन बेटर नहीं है। ऑफलाइन में यहाँ आके जब डायरेक्टली कराते हो, कोई एरर करेक्शन रहता है तो उसका सोल्यूशन है। ऑनलाइन पे अगर कोई चीज़ आप गलत फिलअप कर देते हो तो उसका सोल्यूशन नहीं है, उसमें एक बार ही करेक्शन लेगा, फिर दोबारा उसमें कुछ करेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ आ सकते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि वो यहाँ आकर अपनी काउंसलिंग कराएं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। मैं स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के प्रोसेस बताऊंगा, उसको फॉलो करने के बाद ही वो ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हो जाता है, क्योंकि अभी कल मुझे एक कॉल आया था, उन्होंने मेंशन किया कि उनकी काउंसलिंग में कुछ गलत हो गया। मैं यही बोलूंगा कि प्लीज़ एक एक स्टेप मैं समझाऊंगा। बीएचयू पाठशाला की टीम वर्क कर रही है, वो क्योंकि खुद इतना लंबा उन्होंने प्रोसेस दिया है ऑनलाइन का कि हमें खुद समझना पड़ेगा पहले, इसीलिए मैं समझ के फिर उस पर वीडियोज बना के दूंगा और जिस भी तरीके से पॉसिबल होगा मैं आपका हेल्प करूंगा। प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहो, अपडेटेड रहो और केयरफुल रहो। काउंसलिंग चूक गया तो एडमिशन चूक जाएगा। और मैं इसमें खड़ा हूँ बीएचयू के एक बड़ा ही अच्छे इन्वायरमेंट में। आप देख रहे होगे ये बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी है, इससे जस्ट बगल में महज 100 मीटर की दूरी पर, मीन्स क्या 10-15 कदम की दूरी पर आपका साइबर लाइब्रेरी है। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया और आज देश के अलग अलग हिस्से में अपने ज्ञान को फैला रहे हैं, बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका भी एक अच्छा सपना पूरा होने वाला है और बहुत जल्द आप लोग यहाँ पर अपनी स्टडी कर पाओगे। मेरे लिए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज वो दिन, कम से कम चलो 6-7 महीनों बाद, बहुत ज़्यादा विवाद में रहने के बावजूद आज पेपर हो गया, रिजल्ट अनाउंसमेंट, और बहुत जल्द आप यहाँ पर बैठे मिलोगे। और मेरी बहुत सारी मेमोरीज है इस प्लेस पर, और अभी वीडियो मनोज से शूट कर रहे हैं हम दोनों लोग बैठ के यहाँ पर, काफ़ी मतलब ठंड में तो हम लोग यहाँ बाहर बैठ के पढ़ाई किए हैं। क्लासरूम में बहुत मेमोरीज है, हम लोग के डेस्क फिक्स हुआ करते थे कि नहीं हम लोग इसी जगह पे बैठेंगे, अब उस समय का अपना अपना माइंड सेट हुआ करता था। लेकिन बहुत खुशी है मुझे कि चलिए सब चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, लोग अब आएंगे। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग अभी काउंसलिंग प्रोसीजर में कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, धीरे धीरे चीज़ें मैं समझाऊंगा, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिफ्रेंस कैसे भरना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे लेना है, लॉक कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, एवरीथिंग मैं आपको एक स्टेप बाई समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि काउंसलिंग एक ऐसा स्टेज है, यहां पे गलती कर जाओगे ना तो पूरा पीछे का मेहनत, साल भर का सत्यानाश हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा वो, ठीक है। और आप एक अगर थोड़ा सा पीसफुल दिमाग से कुछ सोचना हो, मैं अगर शांत हो जाऊं तो आप यहाँ के माहौल की आवाज़ को सुन सकते हो। मैं यहाँ आने के बावजूद तोते की आवाज़ सुन सकता हूँ, मोर की आवाज़ सुन सकता हूँ और बहुत सारे ऐसे चिड़ियों की आवाज़ सुनने में, कहीं भी बनारस के किसी कोने में ऐसी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी, बस ट्रैफिक की आवाज़ मिलेगी। तो बनारस की जो सबसे बड़ी सुंदरता है ना, वो बीएचयू है, और कहीं ना कहीं बीएचयू के इस एनवायरनमेंट में आप आने वाले हो, यहाँ के पढ़ने का एक माहौल ही अलग होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, लेकिन ये जो बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना भाई, ये अलग ही है। इसका जो माहौल है, जो इसका एक इन्वायरमेंट है, जो जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो बाकी जगहों से काफ़ी बेहतर है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शिद्दत से, जिससे अभी तक लगे हुए थे, ऐसे ही बने रहो। मैं पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी में आओ और जितना भी मेरे साइड से हेल्प हो सके, जितना भी बीएचयू पाठशाला की टीम से हेल्प हो सके, आप बेहिचक बोलो, कमेंट्स करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपडेट रहो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ अपडेट रहो, ये टाइम आपके अपडेट रहने का है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत दूर हो। यहाँ की चीज़ें हम ही ऐसे हैं जो आपकी चीज़ों को मीडिएटर का काम कर रहे हैं, ऑफिस टू आपके पास तक पहुँचाने का, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें। बीएचयू पाठशाला का न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से, जो लोग इंटरेस्टेड है वो जल्दी से कॉल करके या मैसेज करके ज्वाइन हो जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा एक और चैनल है यू गुरुकुल, जहाँ पे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी को कवर कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।